पंजाब में नशे के खिलाफ ग्राउंड पर बड़ी मुहिम चल रही है। बड़े नशा तस्करों और इन नशा तस्करों से गांठ गांठ करने वाली पुलिस विभाग की काली भेड़ों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। पिछले दिनों एसटीएफ और खाकी की धरपकड़ में कई बड़े नशा तस्करों और उनके साथ नेक्सस रखने वाले खाकीदारियों पर नकेल कसी गई। बीते दिनों अमृतसर में भी हीरोइन तस्करी के मामले में एएसआई अवतार सिंह और एएसआई जोरावर सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मंगलवार को एएसआई अवतार सिंह ने एसटीएफ के कस्टडी में खुदकुशी कर ली। इन्हें अर्ली मॉर्निंग जो कि दसिया ने भी मैं मेरा जी घबरा उत्थे वरियाम सिंह मुंशी तो उन्होंने दसिया तो उन्हें ये जी घबरा करके इन बहर बिठाया। इन्हें पानी की मांग की, पानी लैन गया तो ट्रंक च पई साल्ट उहदे नाल अपने गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो एज पर ला जी 176 CRPC की कार्रवाई असी कर रहे हैं। नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए अवतार सिंह की कस्टडी में हुई मौत पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अवतार सिंह की मौत को खुदकुशी बता रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एएसआई अवतार सिंह ने आत्महत्या का कदम उठाया। क्या अवतार सिंह की मौत के पीछे कोई साजिश है? क्या अवतार सिंह की मौत से नशा तस्करी के बड़े सरगना के राज को छिपाने की कोशिश हुई है? 29 जून को अटारी से 532 किलो हीरोइन कस्टम विभाग की ओर से बरामद की गई थी, और इस सबसे बड़े हीरोइन तस्करी के सबसे बड़े आरोपी गुरपिंदर सिंह की भी कस्टडी में मौत हुई थी। गुरपिंदर की मौत पर भी सवाल उठे थे। बड़ा सवाल ये है कि नशे के इन बड़े बड़े आरोपियों की मौत कस्टडी में आखिर क्यों हो रही है? क्या इन आरोपियों की मौतें साजिश है? क्या बड़े बड़े सबूतों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।